কি বলবো? আমাদের হোটেলের রুমের পাশ থেকে ভিউ, ভিডিওটা না আমার মনে হচ্ছে জাস্টিস করছে না, এত সুন্দর। সি ওইটা মেইন রোড, ওইটা মেইন রোড। আমাদের রিসর্টটা একটু ওপরে উঠে, হিলের ওপর একটুখানি উঠে। এখানে অনেক খরগোশ আছে, দেখো। এটা হোটেলের এন্ট্রান্স, এটা ফ্রন্ট সাইড। यहाँ पर टोटल सर 800 स्पीसीज हम लोगों ने ऑर्किड का लिख किया है। अच्छा, एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है। तो ऑर्किड हम लोगों ने सर टू टाइप्स में रखा है। अच्छा। टेरिस्टेल जो ऐसे जमीन में होते हैं। अच्छा, तो ये सब के लिए जमीन की जरूरत नहीं है, विदाउट सॉइल में ग्रो होते हैं। अच्छा, एंड पहला वाला जो ये असम का स्टेट फ्लावर का प्लांट है, ये कोकोनट के अंदर लगाया है। अच्छा, उसके अंदर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब उसके अंदर जैसे कि चारकोल का टुकड़ा है, ब्रिक का टुकड़ा, उसमें से ही ऑर्किड ग्रो होने में। मतलब इसका जो ब्लूमिंग टाइम होता है मिड अप्रैल। अच्छा, इसका लंबा लंबा फ्लावर आते हैं पिंक एंड वाइट कलर। अच्छा, जो असम इसमें बिहू फेस्टिवल होते हैं तब लेडीज लोग हेयर बल में लगा के बिहू डांस करते हैं। असम इसमें बोलते हैं कोको फूल, हिंदी में बोलते हैं द्रौपदी माला, एंड इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्स टेल, फॉक्स का टेल दीजिए। ये भी अभी खिलने वाले हैं, सिलो जैनी रोसे से नहीं, एंड जब भी ये खिलते हैं इसका साइज जो देखने से नेकलेस जैसा। अच्छा अच्छा, और एक्चुअली सर ऑर्किड जो मतलब पैरासाइटिक नहीं होते, पोरोजी भी नहीं, पोरास्ट्रो ही होते, इसलिए हम लोगों ने पाइप में भी लगाए दिए। अच्छा, उसमें भी जिंदा है, उससे परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर और सब कलर देखिए। और केटेलिया जो है सर, हाँ सर, केटेलिया जो है मैम कोलंबिया का एक नेशनल फ्लावर है। इसमें भी देखिए मैम कुछ भी नहीं है मार्केट में, हम लोगों ने जो सपोर्ट के लिए डाला है वैसे उसका जड़ी। इसको बोलते हैं थ्री स्पा मैम सिंह, बोलते ब्रास कॉमन है ये पैरिस। और ऐसे वाइल्ड ऑर्किड जो है साल में एक बार के लिए ब्लूम होते हैं। अच्छा, और ये जो हाइब्रिड होते हैं सो बार बार ब्लूम होते रहते हैं, लेकिन वाइल्ड स्पीसीज जो है मतलब साल में एक बार, कोई कोई जो स्पीसीज है साल में दो या तीन बार ब्लूम होते हैं। अच्छा, और कोई कोई जो एक ही बार में मतलब ख़त्म होने लगे। अच्छा, क्योंकि हर ऑर्किड इसलिए वो भी रहना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से देखिए टोटली मंकी फेस जैसा ऑर्किड ब्लूम होता है। कॉमन है लेडी स्लिप, लेडीज का शूज होते हैं, लेडीज स्लीपर। हम लोगों ने वहाँ जो देखे थे फॉक्सटेल ऑर्किड, हम बालों में लगा के बिहू डांस करते हैं अप्रैल में खेलते हैं। ये मेघालय का है। नॉर्मली क्या होता है सर, ब्लैक कलर का फ्लावर होते नहीं है, होते नहीं, वही तो। जैसे कि आप लोगों ने इसमें लिए थे जैस्मिन, मार लेते हैं उसको पूरा। हम ट्राई कर सकते हैं, शायद ये बेबी होने की वजह से शायद नहीं होंगे, ये फिर भी ट्राई कर सकते हैं।
वापस नहीं आ पाते 1.5 मिलीमीटर साइज और इसका लीफ नहीं होने के कारण रूट नहीं फ्लावर। अच्छा लगे हनी भी मधुमक्खी जैसा फ्लाइंग हनी भी गैस्ट्रोसिलस बोलते हैं। नीचे का पार्ट देखिए ड्रेस ऐसे दो तरह है राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसका फेस भी है। अच्छा हर ऑर्किड के जो शेप्स होते हैं और दो आंख येलो वाला दो आंख है इसका कॉमन नाम है जोकर होगा। ऑर्किड को सर एयर प्लान भी बोलते हैं। हाँ एयर से खा के जिंदा रहते। अच्छे तो किसान ये सब ना भूखे में यूज होते हैं। हाँ दो ढाई महीना अभी देखिए कुछ कुछ मतलब गिरने वाले हैं अभी कुछ कुछ बर्डिंग में। हाँ तो ये भी खिलने से मतलब एक महीना डेढ़ महीना रहेंगे फिर न्यू बर्ड आएंगे। हाँ एक्चुअली इसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है जैसे हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते रहते इसलिए मतलब एवरी ईयर एवरी टाइम ब्लू में रहते हैं। एंथुरियम जो है इसका कलर ये देखिए लाल वाला तो अवेलेबल है। हाँ ये हाँ ये वाला लेकिन मैम ऑर्किड का एक स्पीसीज हम लोग खाते भी है वेनिला हम लोग वेनिला आइसक्रीम वेनिला केक जो खाते हैं वेनिला चॉकलेट उसी का प्लांट है। अच्छा उसी का आपको बीज दिखाएंगे का ये बीन है। समझता है क्या क्या बीज भी बोलते सर डांसिंग लेडी हो ये देखिए मैम बल्बोफाइलम कैरीफ्लोरम बोलते हैं। हाँ आप लोगों ने स्मेल लिए थे। हाँ हाँ तो भी आपका ड्राई फिश की तरह था इसका पाइन एप्पल 1.2 मिलीमीटर साइज किनियोफाइलम ग्लैंडुलेसम वो छोटा इसमें भी है इसका फ्लावर आने से इसका साइज होंगे सर 1.2 mm और ये तो हम लोगों ने वहाँ देखे थे 1.5 एंड ये वाला जो है ये खिल चुका है सीड किनियोफाइलम रेटिकुलेट लेकिन इसे मेरे को पता नहीं है। ये 400 साल पुराना दो है 400 साल किसका है
ये बनाने के बाद ये पेट बंद कर पहले ऐसे बनेगा उसके बाद काट के पेट बंद होता है। अभी भी ये सब यूज होता है? होता है, ऊपर में हम लोग का सॉक है। अच्छा, तो वो सब क्या इसी मतलब मशीन से बनता है? हाँ, अच्छा ऐसे बन के ही वहाँ जाता है। ব্যাপারটা ये लड़ा है? हाँ हाँ, ये मरद आदमी, ये बीबी लोग, बीबी भरल से धान निकलने वाला सीढ़ी, ये मरद चढ़ने वाला सीढ़ी, ये तेल घी रखने वाला लकड़ी का कंटेनर, बफेलो सिंह का कुंभ चुल जाने वो से उखड़ी कूटने वाला, ये छाछ बनाने वाला, छाछ डालकर पीने वाला गिलास, इसके अंदर सूखा सूखा स्टॉक रखने, शादी का बाद पलकी उठाने वाला, दोनों चटाई तीन चलनी, ये बिल लकड़ी का, दही भरा कर मक्खन निकलने वाला, मक्खन छाछ रखने वाला लकड़ी का कंटेनर, खेत में हल जोतने जाने से अपना बीबी मरद के लिए चाय ले जाती थी। 1930 सन तक चलता था, 30 सन का बाद मार्केट में स्टील प्लास्टिक आ गया। 1930 सन में और 1950 सन में असम में चार चीज नहीं था, उस टाइम भी बीए में डिग्री, अभी भी बीए में डिग्री, अभी बीएड डिग्री के हाथ में एक चीज है, घर पर तीन चीज है, घर 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 पर तीन चीज का मतलब स्टील है, प्लास्टिक है, फ्रिज है, हाथ में एंटिक मोबाइल है, सारा सुस बन गया। जैसे आप सुबह पका दो, फ्रिज में डालकर रख दो, रात 11 बजे मरद आएगा, उसको निकल कर गर्म कर कर खिला दो, सुला दो। उस टाइम में ऐसा नहीं था, पकाओ खाओ मस्ती से रह जाओ, इसलिए 105 साल 102 साल अभी चाचार बीमार है हम लोग का पास में, पेट के अंदर गोल ब्लडर, एपेंडिक्स, एपिसर, शुगर, चलते चलते सर दर्द, चलते घुटना दर्द, चलते जाड़ दर्द, कभी पेट दर्द, जो हम लोग भेजली खा रहा है, इसलिए हम लोग का चार बीमार कंटिन्यू शरीर में होता है। ये 30 देश का पैसा खाती कंट्री, ये इंडिया का फर्स्ट पैसा डायलेक्ट मानने वाला फूटी कोड़ी, एक फूटी कोड़ी दूंगा नहीं, दादाजी ने 1 किलो नमक लाया था 200 साल आगे, अच्छा 1 किलो नमक मिलता था, सबसे कम पैसा फूटी कोड़ी, फूटी कोड़ी इसी से डायलॉग बापरे का कुछ बन का। यहाँ 3 लोटा है, कासा, पीतल, तंबा, चार बीमार नहीं था इसमें, अभी यूज नहीं होता है। ये लड़की ने लड़का को डालने वाला बरमला, बदबकी लड़की का,
इतना छोटा छोटा होता है या ये यही बड़ा वाला होता है? ये लड़का को डालने वाला हाँ। फ्लावर जो अभी फूल का माला डालती है हाँ, अच्छा अच्छा पहले ये था ये था। ये देख लीजिए, असम में 5 साल आगे 7 साल आगे दुकान पर परफ्यूम नहीं था। बीवी लोग परफ्यूम नहीं मिलने की वजह से मर्द को बोल दिया है चांदी पर चंदन का लकड़ी लगा दो, मैं गर्दन में पहनूंगी चंदन का खुशबू। चंदन का लकड़ी अभी परफ्यूम का खुशबू लेने आ रही है। দেখছো তো কেমন করে
ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।